हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है और एक से नए व्लॉग में। सबको राधे राधे। और आप लोग सोचते हो ये तो मायापुर का थंबनेल देखा, आप लोगों ने वीडियो क्लिक किया, लेकिन मैं तो अभी घर पे हूँ। हाँ, मैं मायापुर में एक जगह पे वीडियो शूट किया था, लेकिन वो वीडियो देखते हुए मैं स्टार्ट बटन ही क्लिक करना भूल गया था, इसलिए घर में आके जो इंट्रो शूट करना पड़ता है। तो फिर चलो आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलो यहाँ पर। तो फिर हम लोग जो है सुबह सुबह आरती देखने के बाद एकदम से आ गए थे गौशाला में, मतलब गौशाला में। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर गौशाला का जो है, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं दुकान भी है। यहाँ पर जो सब गौ माता के जो शुद्ध देसी घी और मिठाइयाँ यहाँ पर से मिलते हैं। तो फिर चलो ऊपर जाके गौ माताओं के साथ मिलते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते, ऊपर आते ही हम लोग यहाँ पर पहले जो गौ माताओं है वो कितने शांत स्वभाव के दिखते हैं, और इनका जो है देख सकते तो साइज कितना बड़ा है नॉर्मल गाय से, और इनका जो देख सकते हो सिंग भी कितना बड़ा है। और पूरे मंदिर में जो है इन्हीं के दूधों से सारी मिठाइयाँ और खाना सब बनता है। हाँ गाइस, यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे गौ माता है। तो फिर यहाँ पर जो एम्बियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और चलो आगे देखते हैं। और अभी जो है मैं जो नाम कीर्तन कर रहा था, मतलब मैंने यह जपमाला लिया था, इसमें मैं हरि कीर्तन कर रहा था। पूरे दिन में 10 मिनट निकल के एक बार हरि कीर्तन कर ही जा सकते, इसलिए ये मैंने भी लिया। तो फिर आप लोगों को भी हर राधे राधे हरे कृष्णा। तो फिर चलो आगे हम लोगों ने और भी क्या क्या किया, इसीलिए इसको देखने के लिए व्लॉग में बने रहना, और व्लॉग अच्छा तो व्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके चलो। तो फिर हम लोग जो है अभी जो है गौशाला से निकलने वाले हैं, आप लोग जो देख सकते हो। और मैंने भी जाते जाते गौ माता को जो है प्यार किया थोड़ा सा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये जो गौ माता था बहुत ही शांत स्वभाव का था, और यहाँ पर सब गाय का जो है ऊपर उनका नाम लिखा है। हाँ गाइस, और गौशाला के निकलने के बाद जाते जाते ठंडी हवा खाते खाते यहाँ पर हम लोगों ने देखा रोड में जो है हरि कीर्तन हो रहा था, और बहन और दीदी आगे हरि कीर्तन करने के लिए, आप लोग देखो वो। अभी सुबह सुबह आरती भोर सवेरे 4 बजे आरती होता था, वो अभी देख आयो। और मुझे यहाँ पर मैं रुका था रामहट्टा भवन में, और मुझे एक दादा मिले यूट्यूबर, वो है आमी आकाश करके, मैं उनका वीडियो बहुत ही देखता हूँ, और वो मुझे ये जो है हाय। मैंने क्या बोलूँ, वो मैंने सोचा वो बंगाली में ब्लॉग, हाँ मैं बंगाली में करता हूँ, हिंदी में सुन रहा था मैंने तो भैया ने सोचा नहीं तो मैं हिंदी में सोचा, लेकिन मैं बंगाली में करता हूँ, हिंदी में करता हूँ। ओके ओके, अच्छा है, हिंदी बहुत अच्छा है तेरा, हिंदी में कर, बंगाली में रह के हिंदी में करना, हाँ क्योंकि हिंदी को भी मैंने बंगाली में, हाँ तो करना। और यहाँ पर आके जो हमारा जो मंदिर है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, जो और भी सारे भगवान के मंदिर एशिया में, पूरा इंडिया प्लस एशिया में एक नंबर हिंदू का टेम्पल है, विराट बोरा, मैंने इतना बोरा है बताया नहीं जा सकता है, उतना कम हो जाएगा, ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो आना मायापुर आके इस्कॉन मंदिर देखना सब लोग, और भाई को सपोर्ट करना, वो हिंदी में ब्लॉग शुरू कर दिया, ठीक है, अच्छा लगा। भैया के दोस्त भी है, हेलो, वहाँ पर एक है, यहाँ पर और यहाँ पर भी एक दोस्त है। तो फिर चलो बाद में जाके मिलते हैं, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई, भाई का 100 हो गया तो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, बहुत अच्छा काम करेगा भाई, हिंदी में ब्लॉग करेगा और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएगा। हाँ हाँ चलो। भैया के साथ मुलाकात करने के बाद अब आप लोग जो अभी हम जो जा रहे हैं रामहट्टा भवन में, हम जो अभी रुके हैं क्योंकि अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और हम लोग को मतलब मम्मी बहन दीदी और भाई तो पहले ही चले चुके हैं मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं आकाशा के साथ मिलने गया था इसीलिए। फिर अभी जो जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तो फिर चलो एकदम से ब्रेकफास्ट के टाइम में जाके मिलते हैं, और मुझे आकाश जाके मिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मैं उनका चैनल भी दूंगा, आप लोग ज़रूर चेक करना, बंगाल में बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। फिर चलो एकदम से जाके ब्रेकफास्ट टाइम में मिलते हैं।
अभी जो सीन हुआ है, मैं घर के आगे क्या सुनता हूँ, ब्रेकफास्ट का टाइम आउट हो चुका है, तो फिर और क्या सकते हैं, कुछ सूखा खाना था घर में, मैंने वो ही खाया, तो फिर अभी जो है बाहर घूमने जाना कि मुझे रेडी भी होना पड़ेगा, ओके। तो फिर अभी जो है मैं एकदम से नहा के रेडी हो चुका हूँ, आज जो मेरा आउटफिट एकदम से ब्लैक ड्रेस और वाइट पैंट है, तो फिर चलो, और हम लोग आज लास्ट रुकेंगे इसलिए पूरा एकदम से कवर करेंगे, आप लोग देखो। हाँ, तो फिर हम लोग जो अभी जो है एकदम से मंदिर का जो एक नंबर गेट है, हम लोग वहाँ के साइड पे आ चुके हैं, और यहाँ पर जो है एक जगह पर ये जो ये है माटी का खड़कर चाला है, यहाँ पर जो अखंड हरिनाम, ये मतलब यहाँ पर 24 घंटे हरि कीर्तन हो ही जाता है, एकदम से रुकता नहीं है, और ये जो है मंदिर का एक नंबर गेट है। तो फिर और ऊपर जो है जिन्होंने हरि कीर्तन पूरे विश्व में मतलब अमेरिका तक फैलाया था, उनका भी समाधि है, हम लोग उनके समाधि के पास भी हम लोग जाएंगे अभी जो है उनका समाधि के पहले। यहाँ पर थोड़ा सा गार्डनिंग और एक वाटरफॉल जैसा है, हम लोगों ने यहाँ पर थोड़े पिक्चर टिक्चर खींचे, वो सब पिक्चर आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके मिलेगा। हाँ, तो भी यहाँ पर जाके फॉलो कर लेना, और मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उतना भी अच्छा नहीं हुआ मेरा, धीरे धीरे मैं और भी कोशिश करूँगा। और ये जो है समाधि है, उनका नाम अभी मुझे याद है नहीं, मैं उनका एक पिक्चर यहाँ पर दे दूंगा, आप लोग देखना। उन्होंने जो पूरे अमेरिका विश्व में हरि नाम इसको फैल दिया था, क्या ही बताओ आप लोगों को। और उसके बाद जो है मायापुर का जो जहाँ को भी कुछ है, वो जो यहाँ पर जो एक देख सकते हो तो पूरा एक मैप है, मैंने यहाँ पर सिर्फ खाने का कि नहीं, यहाँ पर टोटल 18 खाने का कैंटीन है। हाँ गाइस, आप लोग इसे चेकआउट कर लेना। और उसके बाद हम लोग जो आ गए थे रिलेटिव जोन के लिए भगवान की मूर्ति खरीदने, और मैंने यहाँ पर एक कुर्ता भी खरीदा था। हाँ, मैंने यहाँ पर जो ये जो ब्लैक कलर का कुर्ता देख सकते हो, मैंने जो है ये ब्लैक कलर का कुर्ता खरीदा है, कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और दीदी और बहन ने भी गोपी ड्रेसेस खरीदे थे, और ये जो दुकान में देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे भगवान हैं, वो फिर अब लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और अभी जो है हम लोग मायापुर के जो मेन मंदिर है, एशिया का सबसे बिगेस्ट टेम्पल, अब जो है उसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं। हाँ गाइस, अभी जो है उसके अंदर जाने का जो एड मतलब परमिशन मिल चुका है, और देख सकते हैं यहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं है, यहाँ पर सब एकदम से ढाल जैसा है, अब जो है ढाल चढ़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। और ऊपर आते एकदम से हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि इस गर्मी में क्या ही बताओ, गर्मी हालात ख़राब, जो मज़ा आ रहा है ना मैं आप लोगों को बताया नहीं सकता हूँ, कितना मज़ा आ रहा है, ये जगह बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आने के बाद सारे दुख कष्ट एकदम से भूल जाओगे। मंदिर के अंदर आ चुके हैं, एकदम से ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सीढ़िया ने एकदम ढाल जैसा है, खड़ाई जैसा दीजिए है, तो पीछे रहो बहन, बहुत ही ज़्यादा जैसे बैक के होना। यहाँ पर मंदिर का जो चूड़ा होता है वो कितना यहाँ से जो बड़ा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, ये जो एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे काम बाकी है। ये लोग बोले थे इस साल 2023 में इसको ओपनिंग कर देंगे, मुझे नहीं लगता ये होगा, ये कम से कम 2024 या 25 में होगा। और यहाँ पर मम्मी देखो हाई कर रही है, बहन भी देखो, भैया भी है, हेलो गाइस कैसे हो आप लोग, देखो भैया भी थोड़ा सा बात कर लिया, और भैया का भी बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से जो व्यू है मैं तो बता नहीं सकती, ये देखो वो वाला जो मंदिर है जो समाधि बेस, और उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर ईंटें बहुत ही कम, क्योंकि ये जो बहुत ही बड़ा मंदिर है जो है ज़्यादातर से एकदम से सीमेंट का काम बहुत ही ज़्यादा है, पर ईंटें बहुत ही कम है मैंने जितना सुना यहाँ से। और यहाँ पर तो हाथी भी और बहन चली जाती है हाथी के साथ पिक्चर खींचने के। और यहाँ पर जो मंदिर का जो पेंटिंग है यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो कैप्चर किया, यहाँ पर ऐसे काम चल रहे हैं और लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी जो है एकदम से दोपहर के टाइम पे खाना खाने के लिए वैसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, आप लोगों के साथ मैं एकदम से खाना खाने के बाद शाम के टाइम में बात करूँगा। हाँ, फिर देख सकते हो प्लेटें लग चुकी है, तो फिर एकदम से खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से एकदम से शाम में जाके मिलते हैं, ओके। और शाम के टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पर अखंड हरिनाम होते हैं, आप लोग ये जो अखंड हरिनाम एक बार से सुन लो, ओके गाइस।
ये जो हरियाणा में यहाँ पर 24 घंटे होते ही रहते हैं। और यहाँ पर जो वाटरफॉल है देख सकते हो कलर चेंजिंग हो रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है एकदम। मैं जो वाटरफॉल के बाजू में हम लोग थे उसके अब जो मंदिर है हम लोग अभी उस मंदिर के सामने में मतलब मंदिर के ऊपर हम लोग अभी जाने वाले हैं। अभी चलो अब लोग हम लोग अभी जो है मंदिर के ऊपर जाएंगे, चलो जाके मिलते हैं। आप लोगों को तो पता है यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, मतलब यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए मैं कैमरा लेके नहीं जा सकता। मैं तो आप लोगों को बोलूँगा आप लोग यहाँ पर आके एकदम से घूम के जाओ एक बार, ओके। और उसके बाद हम लोग बाहर आके थोड़ा सा भूख लगे तो इसलिए हम लोग पापी चक गए। पापी चक बहुत ही अच्छा था खाने में। हाँ, मंदिर से निकलने के बाद धाम के बाहर थोड़ा सा मार्केटिंग करने के लाए हैं। बहुत ही गर्मी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। क्या बताऊँ, अभी कुछ मार्केटिंग यहाँ पर मम्मी लोग साड़ी देख रहे हैं और मैंने और भी एक पंजाबी खरीदा है। इसके बाद हम लोग रात के डिनर के लिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग आज का जो डे टू वो ख़त्म होता है और आज हमारा लास्ट नाइट होगा मायापुर में। उसके बाद हम लोग सवेरे सवेरे निकल जाएंगे। फिर चलो डायरेक्ट हम लोगों से डिनर में जाके मिलते हैं। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी, क्या बताओ आप लोगों को। यहाँ पर जितनी भी गर्मी होना क्यों, यहाँ पर रोड साइड में बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा दे रही थी और यहाँ पर जो रात में भी घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइस। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर गीता भवन में डिनर करने के रुके हैं। जो भी दिखाते तो आज क्या क्या मेनू में है, और यहाँ पर देखो चपाती है, राइस है, आलू की सब्ज़ी, एक मिष्टी और पानी। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। ब्लॉग अच्छा तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे सेट कर देना, ओके। तो फिर आज यहाँ तक, मिलते हैं दूसरे। और बाय द इंस्टाग्राम में जाके चेकआउट करना, मैंने वहाँ पर पिक्चर अपलोड की है, ओके। तो फिर चलो बाय बाय।